Hi everyone, this is Mayank Kothari and today I'm going to discuss with you three important things that are applicable to all the students who have taken video lectures from me. So SFM ke video lectures jisne bhi liye hain new syllabus se related unke liye ye khas kar video hai aur jo koi aapka dost hoga jo shayad is video ko na dekh paaye jinhone lectures liye hain un tak ye baat zarur pahunchaye. Teen cheezon ke bare mein main discuss karunga is wale video mein. सबसे पहली चीज़ है सर डाउट्स के बारे में. डाउट्स कुछ एक दो महीने से पहले बंद थे और रिसेंटली 7-8 तारीख से या 5-6 तारीख से ये सब शुरू हुआ है वापस. टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है जिसके अंदर में सब लोग तकरीबन 550 लोग अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं और सब लोगों को मैसेज और व्हाट्सअप वगैरह किया जा रहा है ताकि और ऐड होते जाए लोग. तो काफ़ी सारे लोग हैं जो ऐड हो सकते हैं, जो आने वाले अटेम्प्ट में हैं बस वही लोग हैं अभी फ़िलहाल. तो और मैं रिक्वेस्ट करूँगा जैसे ही आप SFM के लेक्चर्स खरीदें वैसे ही एक सपोर्ट वाली आईडी जो है कॉन्फ्रेंजा की उस पर मेल डाल दें कि ग्रुप का लिंक आपको आ जाएगा. और आपने अगर लेक्चर्स पहले भी ले चुके हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उस ग्रुप में ऐड हो जाओ क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट ज़रूर डालूंगा. जितने भी अपडेट्स हैं आपके लेक्चर से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको बतानी होती हैं वो टेलीग्राम के चैनल के थ्रू और कॉन्फ्रेंजा का जो प्लेयर होता है उसके थ्रू न्यूज़ सेक्शन में और SFM डाउट सॉल्विंग ग्रुप जो टेलीग्राम पे है वो उसके थ्रू मैं अभी फ़िलहाल पहुंचा रहा हूं. सो इसमें से कहीं पे भी आप अगर नहीं हो तो आपने ज्वाइन करना है, अदरवाइज़ आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर दोगे. एक हो गया. अब यहाँ पर आप डाउट्स पूछ सकते हो, जो आपको डाउट्स आता है पूछो बिंदास और मैं आपको उस डाउट का जवाब दूंगा दो दिन के अंदर में. मैं दो दिन बोल रहा हूँ, मैक्सिमम ट्राई करूँगा एक दिन के अंदर हो जाए लेकिन स्टिल यू हैव टू वेट फॉर 48 आवर्स. और अगर कहीं मैं मतलब तबीयत ठीक नहीं है या कहीं मैं बाहर हूँ या कोई फंक्शन में है या कुछ ऐसा इवेंट है जहाँ पे मैं काफ़ी कुछ दिनों तक अगर मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो मैं ऑलरेडी ग्रुप में वो डाल दूंगा. आपको ये इंश्योर करना है कि आप ग्रुप के बाकी के डाउट्स भी गो थ्रू करें ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स और समझ में आएंगे और रिपीटेड डाउट्स अवॉइड कर पाओगे. फिर भी अगर रिपीटेड आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा उसको वापस आंसर करने की. एक चीज़ ये हो गई. दूसरी चीज़ है, आपने अगर न्यू सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स लिए हुए हैं तो उसमें सीक्वेंस जो इंडेक्स शीट में दिया हुआ है वो ही फॉलो करो. एक क्वेरी आज आई थी, एक इशू आया था, एक बंदी थी, उन्होंने ये कहा था कि सर लेक्चर्स में समझ नहीं आ रहे थे और जब मैंने उनका लॉग देखा सिस्टम में पीछे में तो उन्होंने कुछ अजीब तरीके से सीक्वेंसिंग फॉलो की थी वीडियोस देखने के लिए. एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे सिक्योरिटी वैल्यूएशन उन्होंने शुरू किया, उसके बाद में उन्होंने डायरेक्ट जंप किया मान लो डेरिवेटिव्स पे, डेरिवेटिव्स के बाद उन्होंने इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट करने की बजाय फॉरेक्स मतलब डेरिवेटिव्स के बाद उन्होंने कोई थेरी चैप्टर पकड़ा, फिर फॉरेक्स पकड़ा, फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पकड़ा. तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो फॉलो नहीं हुआ है, ठीक है. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट छूट गया आपका जो इंपॉर्टेंट था डेरिवेटिव्स के लिए, डेरिवेटिव्स के बाद फॉरेक्स होना चाहिए या इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट कर लो फिर फॉरेक्स कर लो, दैट्स ऑल ओके. बट उन्होंने आधा पोर्टफोलियो किया, फिर आधा म्यूचुअल फंड किया, फिर वापस आधा पोर्टफोलियो किया, फिर बाकी का म्यूचुअल फंड किया और आखिरी में गड़बड़ हो गई. सो ऐसे सीक्वेंसिंग मैंने काफ़ी लोगों के इसमें देखी है. ये चीज़ फॉलो मत करो, अगर आप ऐसा करोगे तो आपको दिक्कत जाएगी. होता क्या है ना, लाइव क्लास में या वर्चुअल क्लास जब आप कोई ज्वाइन करते हैं तो उसमें जैसे पढ़ाया जाता है आप उसके हिसाब से जाते हैं, आपके पास में ऑप्शन नहीं होता. लेकिन आप SFM के नहीं, कोई भी वीडियो लेक्चर्स की सब्जेक्ट के अगर क्लासेस आप खरीदते हो तो आपके पास में ये ऑप्शन होता है कि आप बाद के वीडियोस भी जाके पहले देख सकते हो. तो यहाँ आ जाती है दिक्कत सर. अब अगर आपने दूसरा तीसरा चैप्टर छोड़ के सीधा पाँचवा छठवा चैप्टर कर लिया तो यहाँ पर आपको दिक्कत आएगी क्योंकि जो दूसरे तीसरे चैप्टर में कॉन्सेप्ट कवर्ड है वो कहीं ना कहीं लिंक है आगे से और वो आपने छोड़ दिए पिछले वाले, तो आगे आपको समझने में ये प्रॉब्लम जाएगी. मेक श्योर कि इंडेक्स शीट में जिस तरह से दिया हुआ है उसी तरह से आप फॉलो करो, वो बनाए ही उसी तरह से गए ताकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बने कि हाँ ठीक है जैसे दिया हुआ है हमने वैसे फॉलो करना है. सिर्फ एक चेंज है आपको न्यू सिलेबस वालों को. सिक्योरिटी वैल्यूएशन चैप्टर शुरू करने के पहले आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट कर लो. सिक्योरिटी वैल्यूएशन शुरू करने के पहले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंप्लीट कर लो. पांचवा नंबर का है सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो है छठवा नंबर का. सिक्योरिटी वैल्यूएशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स बीटा के, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल के यूज़ होते हैं जो पोर्टफोलियो में कवर किए गए हैं. अगर वो आप कर लेते हो दो कॉन्सेप्ट भी उधर से तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी वैल्यूएशन करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी और उसके बाद सीक्वेंस आप कंटिन्यूसली फॉलो करते जाओ. तो ये दूसरी चीज़ थी सीक्वेंस वाली. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है चार्ट्स को.
चार्ट्स ख़त्म हो चुके थे तकरीबन सितंबर के आसपास या कहीं तो ख़त्म हो गए थे अगस्त वगैरह में, और उसके बाद में उसमें कुछ चेंजेस थे इसीलिए मैंने प्रिंट नहीं करवाए और बीच में मेरे को टाइम नहीं मिला। तो तब से लेके अभी तक किसी को भी चार्ट्स नहीं गए हैं, सॉफ्ट कॉपी मैंने उसके बाद रिलीज़ कर दी थी। और बीच में प्लान बदल गया था कि चलो ठीक है अब सॉफ्ट कॉपी दे ही रहे तो चार्ट हार्ड कॉपी पढ़ने देने की ज़रूरत नहीं थी, तो कुछ लोगों को मना भी कर दिया गया था कि चार्ट्स मतलब जो नए ऑर्डर्स आ रहे थे उनको मना कर दिया गया था कि चार्ट्स अब नहीं बिकेंगे। बट मैं आपको बताता हूँ, अगस्त से लेके जितने भी लोग अगस्त हो या जिनके पास नहीं आए होंगे चार्ट्स, जिनके पास भी चार्ट्स नहीं आए होंगे वीडियो लेक्चर्स वगैरह उन्होंने लिए हैं, तो उन सबको जनवरी एंडिंग में हार्ड कॉपी डिलीवर की जाएगी। सो हार्ड कॉपीज़ की प्रिंटिंग अभी वापस से शुरू होगी। अच्छी बात यह है कि इस बार ये बाइंडिंग की हुई होगी, यानी कि एक छोटी सी बुकलेट बनाई हुई होगी उसकी। पिछली बार खुले देते थे पूरे 15 चार्ट, तो स्टूडेंट का बोलना आ गया कि सर ये सब खुले खुले तो कहीं ले जाने में दिक्कत आती है। सो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी उसकी बाइंडिंग कराई गई है, तो वायरिंग बेसिकली है और वो आपको डिलीवर की जाएगी। सो इट विल गेट प्रिंटेड बाय अराउंड 20th, यू कैन से 20-21st, और 25 तारीख तक मैं आपको ये डिस्पैच कर दूंगा। तो मान के चलिए कि आपको जनवरी एंडिंग ले लो या मैक्सिमम फरवरी फर्स्ट वीक में आपको ये पहुंच जाएगा। अब इसके लिए करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इंश्योर करना है कि conferenza.in वाली जो वेबसाइट है उस पे आपने जो एड्रेस डाला हुआ है वो सही है। अगर एड्रेस आपका बदल गया हो तो आप एड्रेस वहाँ जाके बदलें, क्योंकि 20-22 तारीख के आसपास ये सारा डेटा निकाला जाएगा सिस्टम से और उन्हीं एड्रेस पे वापस भेजा जाएगा जो एड्रेस आपने लेटेस्ट में अपडेट किया होगा। और अगर कहीं एड्रेस अपडेट होता है वहाँ अपडेशन करने के बाद में आप मेल भी डाल दो एक सपोर्ट वाली आईडी पे, support@conferenza.in, तो तकरीबन कहीं ध्यान रहेगा, आपके पास में भी प्रूफ रहेगा, देखो हमने तो बताया था फिर आपने कहीं और क्यों भेज दिया, तो स्टाफ अकॉर्डिंगली उसको मैनेज करेगा। अब तकरीबन 1000-2000 रहेंगे, उसमें से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होएगा, तो अकॉर्डिंगली वापस वो उतना मैनेज करेंगे कॉल्स के थ्रू। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू। तीन चीज़ें हो गई, एक एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। चौथी चीज़, SFM चैप्टर की नई रिकॉर्डिंग वापस शुरू की है मैंने। रेगुलर प्रोसेस है, हर साल रिकॉर्डिंग होती है। सो SFM में तीन चैप्टर स्टार्टिंग के वापस से नए रिकॉर्ड किया और ऑल टुगेदर नए तरीके से रिकॉर्ड हो रहे हैं। सो ये तीन चैप्टर्स आपको conferenza.in की जो वेबसाइट है उसके उस पर मिल जाएगा। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मेरी अगर ओपन होना चाहिए, अगर आप वेबसाइट में जाएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है ये सब मैं बताता हूँ। आपका यहाँ पे नाम आएगा, उसको क्लिक करो, माय अकाउंट में जाओ, ठीक है। जैसे ही माय अकाउंट में जाओगे तो माय सब्जेक्ट्स के अंदर में जो सबसे पहले है ऊपर में माय सब्जेक्ट्स, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो माय सब्जेक्ट्स के अंदर में आपने जो जो चीज़ें यहाँ से खरीदी हुई है वो यहाँ पर दिखेगी। अब मैंने इतना सारा नहीं खरीदा, ये तो टेस्टिंग पर्पज़ के लिए ये लोग डालते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जैसे ही आप, अगर मैं न्यू सिलेबस देखूं कहीं, अगर मेरे इसमें न्यू सिलेबस होगा तो मज़ा आ जाएगा। ये देखो नीचे में न्यू सिलेबस है, इसमें ये जो व्यू वाला ऑप्शन है ये मैं ओपन करता हूं। एक सेकंड ना, अभी देखने दो। हाँ, अब जैसे ही आप माय सब्जेक्ट में जाते हो, सॉरी वो तो मैं माय ऑर्डर्स में था, मेरी गलती, माय सब्जेक्ट में जैसे ही जाते हो आपको ऐसा मिलेगा यहाँ पे कि सब्जेक्ट्स के अंदर अगर कुछ लिंक्स आई है तो आखिरी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिंक है। जैसे ही आप इस लिंक पे कॉपी करते हो ना, मतलब क्लिक करते हो, सॉरी, ये लिंक आपको कहीं और लेके जाएगी। अब इस लिंक के अंदर में दो चीज़ें दी हुई है, ठीक है। अब इस लिंक के अंदर में दो चीज़ें दी हुई है और सबसे ऊपर वाला है, इसके अंदर में पहले तीन, मतलब इसके अंदर सारे चैप्टर्स है। 29 दिसंबर को यह ऐड किया गया था और सीधा ये आपको लेके जाएगा नए रिकॉर्डिंग के पहले तीन चैप्टर जो है उस पर। ये तीनों ये चीज़ें यहाँ पे आपको डाउनलोड कर सकते हो, आप सारे चैप्टर्स आपको डाउनलोड करना है। इंस्ट्रक्शंस सबसे नीचे जो दिए गए हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको दिखेगा, मैं जूम नहीं कर सकता, गूगल ड्राइव जूम अलाउ नहीं करता। इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने हैं, conferenza.dll आपको फाइल चेंज करनी है, यहाँ सारी चीज़ें दी हुई है। डाउनलोड करो, इन वीडियोज़ को देखो, दीज आर सुपर्ब वीडियोज़, ठीक है। सो फाइनेंशियल पॉल पहले तीन चैप्टर हुए हैं, नेक्स्ट अभी चालू है, इस महीने के एंड तक मैं कोशिश करता हूँ चौथा चैप्टर हो जाएगा और फिर तकरीबन धीरे धीरे ये सारी जो प्रोसीजर है सारे चैप्टर वापस से रिप्लेस होंगे आपके, और मई अटेम्प्ट या जून
अटेम्प्ट, यानी कि जो एग्ज़ाम है ख़त्म होते होते सारे चैप्टर्स वापस से नए अवेलेबल होंगे। और अच्छी बात यह है सर कि सब लोगों को ये नए चैप्टर्स अवेलेबल है, जितनी आपकी वैलिडिटी बची है आप उसमें ये देख सकते हैं। रेगुलर प्रोसेस है, तो आपका जो अभी लेक्चर्स आपने लिए वो भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये बेटर रहेंगे, ये तो मैं बोलता हूँ आपको। अगली बार जाकर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा नवंबर दिसंबर 2019 में, तो वो इससे भी बेटर रहेंगे। सो दिस इज़ रेगुलर प्रोसेस, जब तक आपकी वैलिडिटी है तब तक आपको नया सिलेबस और नया कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा। क्वेश्चन ये आता है कि सर अभी हमने जो लेक्चर्स ले लिए क्या हम उसको देखें, कंटिन्यू करें, या फिर आपके नए चैप्टर्स की वेट करें? तो एक जवाब मैं आपको देता हूँ, आप देख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो, दैट इज़ अप्लीकेबल टू योर अटेम्प्ट। बट अगर आपका अटेम्प्ट मई 20, नवंबर 20 या उसके आगे है, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, रिकमेंड ये करूँगा कि रुक जाओ, आप ये तीन चैप्टर देख लो जो तीन ऑलरेडी अवेलेबल है, और फिर फोर्थ चैप्टर एंड ऑनवर्ड्स जैसे जैसे आते जाता है वैसे वैसे कवरअप करते जाना, क्योंकि मई जून तक आएगा और आराम से कवरअप करो, उसके अकॉर्डिंगली आप बाकी के सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन तैयारी शुरू कर दो। अभी जो लेक्चर्स वेबसाइट पे मिल रहे हैं वो मैं आप चाहूँगा कि जो मई अटेम्प्ट वाले हैं या नवंबर 2019 वाले हैं उनके लिए बेस्ट है, वो लोग वेट ना करें और वो लोग लेके कंप्लीट कर सकते हैं, पढ़ें। कोर्स पूरा कंप्लीट है पहले वाले में भी और नए वाले में भी। सो ये है। और क्या था, रिस्क मैनेजमेंट वाला जो चैप्टर है तीसरे नंबर का, अगर आपने लेक्चर्स ले लिए थे पहले और आप वो चैप्टर पहले वाली रिकॉर्डिंग से देख चुके हो, तो नई वाली रिकॉर्डिंग से सर वापस देखना है क्या? मैं बोलूँगा बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। पहले वाली रिकॉर्डिंग में 2 क्वेश्चंस थे, इस वाली रिकॉर्डिंग में 11 क्वेश्चन है, तो जो क्वेश्चंस वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लो, नए और वैरायटी वाले क्वेश्चंस इसमें ऐड हुए हैं। तो आप ये करोगे ना तो आपको वो कॉन्सेप्ट एकदम ठोस हो जाएगा। वार पे 11 क्वेश्चन आपको अभी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, आई हैव टेकन दैट फ्रॉम वेरियस अदर मटेरियल एंड इंटरनेशनल बुक्स। सो दैट इज़ इट, इतना ही है हमारे लिए आज के दिन के लिए न्यू सिलेबस वीडियो लेक्चर्स के बारे में। सबसे पहले मैंने बोला डाउट्स वाले ग्रुप में ऐड होना है, टेलीग्राम चैनल में ऐड होना है, तीसरा जो प्लेयर आता है वहाँ पे मैं नोटिफिकेशन दूंगा ही। फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बोली कि सर सीक्वेंस क्या फॉलो करना है, और तीसरी चीज़ थी आपकी, मैं भी भूल गया, चार्ट्स के बारे में कि चार्ट्स डिलीवर होंगे, सो चिंता ना करें, सॉफ्ट कॉपी तो है ही, आपकी हार्ड कॉपी में वापस आपको डिलीवर करवाऊंगा, कल मैं प्रिंटिंग के लिए दूंगा उसको। और चौथी चीज़ मैंने आपको नए रिकॉर्डिंग्स के बारे में बताया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द SFM। नए रिकॉर्डिंग्स में हर चैप्टर के एंड में रिवीजन लेक्चर है, एंड दैट इज़ गोइंग टू श्योरली हेल्प यू अलॉट फॉर रिवाइजिंग द एंटायर सब्जेक्ट। चार्ट्स का रिवीजन कंटिन्यूसली करते रहें, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे यू डू नॉट हैव टू रेफर एनीथिंग बट द चार्ट्स। बाय बाय।